वीडियो में देखने वाले हैं मैसेंजर पे किसी को गलती से ब्लॉक कर दिए हैं तो इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने मैसेंजर पे किसी को गलती से ब्लॉक कर दिए हैं तो उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका से बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले मैसेंजर पे किसी को गलती से ब्लॉक कर दिए हैं, अनब्लॉक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जो हम स्टेप बताएंगे उसी स्टेप से आप ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले अपने मैसेंजर को यहाँ ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ काफ़ी सारा चैट आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ आपको कोई भी यहाँ ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता है ब्लॉक का। मान लीजिए किसी को जानते भी हैं तो आप यहाँ सर्च करके उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। जैसे हमें काफ़ी सारा कॉन्टैक्ट है मेरे पास, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ ब्लॉक किए हैं, तो यहाँ से भी आप अनब्लॉक ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएगा तब ऐसे अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट नहीं मिलता है तो उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। सबसे पहले किसी को गलती से ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ आपको साइड में थर्ड लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ थर्ड लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते तो आपको यहाँ सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेटिंग का यहाँ चैट मार्केटिंग जितना भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको फॉलो किए हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन हमको यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं करना है, हम लोग यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करते तो यहाँ भी काफ़ी सारा यहाँ सेटिंग देखने को मिल जाता है, जैसे डार्क मोड, एक्टिव स्टेटस, यूजर नेम, यहाँ काफ़ी सारा यहाँ। लेकिन एक आपको ऐसे तरीका यहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जस्ट प्राइवेसी एंड सेफ्टी, जस्ट उसी पर आपको क्लिक करना है। प्राइवेसी एंड सेफ्टी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक ऐसे मतलब देखिए यहाँ भी काफ़ी सारा यहाँ सेटिंग देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको यहाँ भी एक सेटिंग यहाँ जस्ट देखने को मिल जाता है ब्लॉक अकाउंट, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ब्लॉक अकाउंट, यहाँ ब्लॉक अकाउंट आपको देखने को मिल जाता है। ब्लॉक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ ब्लॉक अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास दो मेरे यहाँ यहाँ इस पर दो आदमी दिख रहा है, मतलब हम इनको ब्लॉक किए हैं। तो इसको अनब्लॉक करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जिनको भी अनब्लॉक करना है उस पर हम लोग क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लिखा है ब्लॉक अनब्लॉक मैसेज एंड कॉल, मतलब हम अनब्लॉक आप कर दीजिए तो ये मैसेज और कॉल दोनों कर सकते हैं। मान लीजिए आप फेसबुक से किए होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग फेसबुक से नहीं करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसको अनब्लॉक कर लेंगे। और फिर मैं अनब्लॉक मैसेज एंड कॉल पे क्लिक करके इसको फिर से अनब्लॉक कर लेंगे। जैसे ही आप ऐसे अनब्लॉक कर देंगे उसके बाद आपको बैक करना है। बैक आने के बाद यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरा यहाँ नंबर था दो, यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये होगा जो हम जो व्यक्ति को ब्लॉक हम कर दिए थे गलती से वो अनब्लॉक हो चुका है। मान लीजिए इनको भी हम लोग को अनब्लॉक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ अनब्लॉक हो जाएंगे। और ये भी बैक करके देखेंगे तो यहाँ पे से भी गायब हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं गायब हो चुका है वो आदमी। मान लीजिए फिर से किसी गलती से ब्लॉक करेंगे तो उसी में चले जाएंगे। मान लीजिए हम लोग इस पर जाकर यहाँ पे जाकर इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको देखने का ऑप्शन देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। मान लीजिए आप चैट आपको देखने को मिल जाता है तो चैट पे क्लिक करके यहाँ से तो अनब्लॉक आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको चैट ऑप्शन देखने को नहीं मिले तो आपको वही तरीका है, सबसे पहले थ्री लाइन पर जाकर सेटिंग पर जाकर आपको एक प्राइवेसी सेफ्टी पर जाकर यहाँ ब्लॉक अकाउंट पर क्लिक करके और जिसको भी गलती से ब्लॉक कर दिए हैं तो उसको यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही अपने जिसको भी फ्रेंड को आप गलती से ब्लॉक कर दे अनब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।